हे दोस्तों, कैसे हो? कमेंट करके जरूर बताना। दिल्ली का सबसे खूबसूरत गार्डन मुगल गार्डन। मुगल गार्डन सबसे खूबसूरत है। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी जा रहे थे, अब मैं भी लगा हुआ यार मुझे भी जाना चाहिए, तो इसी वजह से मैं भी आज मुगल गार्डन जा रहा हूँ और इसका पता लगाता हूँ कैसा है सच। लोग दो तीन पुलिस वालों से पूछा मुगल गार्डन और राष्ट्रपति भवन, क्योंकि आज का मेरा जाना जो है मुगल गार्डन और राष्ट्रपति भवन है। तो उन दोनों ने बताया कि राष्ट्रपति भवन तो ऑनलाइन आपको बुकिंग करनी पड़ेगी और दूसरी बात एक दिन पहले करनी पड़ेगी, और मुगल गार्डन आज मंगलवार है तो बंद होगा। अब पता करते हैं कि सच में उन्होंने सही कहा है या फिर मस्ती ले रहे थे, क्योंकि पुलिस वाले मैं भरोसा नहीं कर सकता। देखो भाई, मैं इतनी दूरी से आया हूँ, मुगल गार्डन बंद है तो क्या हुआ? पास में कुछ तो होगा। झाड़ू वाले भैया ने, जो कि हमारी स्टेशन है, उन्होंने बताया कि यहाँ सिर्फ ये जो मुगल गार्डन है वो अगस्त महीने में खुलता है, जो कि अभी सामने है। वहाँ 35 नंबर गेट से एंट्री होती थी लेकिन अभी नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर आपके चाचा विधायक बीजेपी से हैं तो हो सकती है, कोई बात नहीं। मेरे चाचा विधायक नहीं है तो मुझे नेक्स्ट लोकेशन पर जाना पड़ेगा, जो कि गेट बंद है भाई। गेट अंदर जाके भी करूँगा क्या? तो अब नेक्स्ट जो लोकेशन है राष्ट्रपति म्यूजियम, जो कि 3 से 4 किलोमीटर है, चलते हैं। मुगल गार्डन एक ही महीने के लिए खुलता है, एक महीने से ज्यादा के लिए नहीं खुलता है, और एक महीने से ज्यादा के लिए इस बार खुला था और अभी मैं लेट हो गया, शायद कुछ ही दिन पहले ही बंद हुआ ये। मेरी किस्मत खराब है। छोड़, लोटस टेम्पल गया था उस दिन भी वो बंद था, और आज मैं वहां जा रहा हूँ वो भी बंद ही है। तो अभी तीसरी जगह चलते हैं। देखे पूरी दिल्ली मैं जाऊंगा, पूरी दिल्ली बंद मिलेगी क्या? देखे क्या चीज़ खुली रहेगी, वहीं चलते हैं। बस मैं ना सरकारी भवनों के पास ही डोल रहा हूँ, यहीं पीएम मोदी वगैरह, पीएम की कोठी वगैरह यहीं है, अमित शाह की कोठी भी यहीं है, जाके नाश्ता करूँ उन पे। बाहर खड़े हो जाऊँ भाई, मुझे नाश्ता कराओ, राजस्थान से आया हूँ भाई, प्लीज़ कुछ तो खुलवा दो मेरे लिए भाई। केजरीवाल की कोठी पर चलता हूँ। सर सब कुछ बंद करवा दिया आपने, कुछ तो खुलवा दो, बाल की तो हो ही जाएगी मेरी और हजामत ख़राब हो जाएगी। वैसे पीछे आगे देखने लगी है रोड, उसने बताया आगे जाके और आगे से लेफ्ट ले लेना सीधा ही, और वही है आपकी डेस्टिनेशन, वहीं से ही अबाउट 3 किलोमीटर पैदल चल लेना और डेस्टिनेशन आ जाएगी। सुबह ही सुबह देख रहे हो कितना टाइम हुआ, 8:15, और मैं 7:30 से पैदल चल रहा हूँ। क्या बाहन चोट बगलोईती है मेरी, देखो इसकी हालत ना ऐसी लग रही है कि बिजली से चिपक गया और ख़राब होने वाला है इसका पूरा शरीर। अभी भाई एक ऐसी जगह जहां नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ओबीसी का अपमान, कांग्रेस का डीएनए है, राहुल गांधी हुए अपनों के शिकार। वाह, क्या लिखा हुआ है पढ़ के देखोगे? शीशे में देखना, शायद अच्छी तरीके से दिखाई दे, मैं नहीं बताऊँगा बहन चो दो बकलो। तो ये सारे जो पीछे दिखाई दे रहे हैं ना, ये एमपी यूपी और उनके बैठने के फ्लैट हैं ये। मेरा बैग भाई, कंधे टूट गए मेरे। रास्ता चाहे खुला रहे या बंद, तुम्हारे लिए ना हमेशा दुनिया रास्ता बंद ही करेगी, तो उन रास्तों को ना अपने हिसाब से खोलना सीख लो। जैसे कि मेरा ना रास्ता ये बंद था, पुलिस वालों ने किया है मेरे आने की खुशी में, लेकिन अपना रास्ता खुद बना ही लो, कैसे भी बना लो भाई, बना सकते हो तुम, हर कोई अपना रास्ता बना सकता है। मेरे पीछे क्या है मुझे पता तो नहीं है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन फ़ोटो खींच लेते हैं, एक वीडियो बना लेते हैं, बनाने से काम